बीच रोड में पलट गया। अपन वैलेंटाइन डे थोड़ा रोमांटिक हो रहे हैं। गुड आफ्टरनून, क्या टाइम हो गया 12:30 और आज का दिन है संडे। तो संडे के दिन हमारा आज का सीन था कि कुछ अच्छा करेंगे, कुछ थोड़ा सा एडवेंचर वाला फन लेंगे। बट हुआ क्या अपने साथ, जो हर संडे होता है वही हुआ और हम कहीं गए नहीं। तो घर में भी छोटे मोटे काम थे, घर के काम भी निपटा लिए जब से रुके और उसके बाद। और हाँ, आप लोगों से एक चीज़ बात करनी थी मुझे। कल मैं रात के 9 बजे लाइव आया था, यानी कि संडे मतलब आज ही के दिन। आप लोगों ने अगर वाला लाइव सेशन अटेंड नहीं किया था तो आप लोग जाके ऊपर आई बटन में अटेंड करके देख सकते हैं। और उसमें मैंने राइड के लिए कुछ बात की थी, अगर आप लोग उससे सहमत हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप लोग जाके वहाँ पे थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि राइड 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 राइड। आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? आखिर जाने का सीन ऐसा है कि हम लोग जा तो रहे हैं बट कंफर्म नहीं हो पा रहा कि कौन कौन जाएगा। तो एक बार बताइएगा कि सोलो तो मुझे मतलब उतना पसंद ही नहीं है, क्योंकि अकेले अकेले आप निकल जाओगे, किसी से बात नहीं कुछ नहीं। लेकिन अकेले जाने से एक बेनिफिट होता है कि नए नए लोगों से जान पहचान होती है, नए नए लोग मिलते हैं, नए नए जगह के कल्चर को जानने का मौका मिलता है। बट उसकी बात नहीं है, थोड़ा सा जैसे अपन ग्रुप राइड में भी करते करते धीरे धीरे मेरे को हैबिट हो जाएगी, तो मैं सोलो राइड भी जा सकता हूँ। बट अभी का सीन ऐसा है कि थोड़े से फंड की दिक्कत है। फंड अगर अरेंज हो जाते हैं तो अपन जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं वो अभी मैं रिवील नहीं करूँगा, क्योंकि अभी से अगर मैं आपको बता दूंगा तो पूरा प्लान पे मिट्टी फिर जाएगा। और हम नहीं गए तो आप लोग ही बोलेंगे कि क्या डींग हाँकता था, इतना यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। लेकिन इसलिए हम अभी प्लान एकदम कन्फर्म नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी प्लान में ना 50-50 है, तो 50-50 का प्लान है। लेकिन मैं अपने तरफ से सारी तैयारियां रख रहा हूँ कि सडनली निकलना पड़ जाए तो निकल भी जाएंगे। इसलिए मैं पूरी गाड़ी को ओके करवा रहा हूँ, सब चीज़ें करवा रहा हूँ। बस आप लोग अगर थोड़ा सा और सपोर्ट कर देंगे तो बहुत। तो आज का दिन संडे, यही है समाप्ति। और अभी चलते हैं अपन दंतेवाड़ा की तरफ, दंतेवाड़ा के कुछ नज़ारे ले लेते हैं, संडे की कुछ वाइब्स ले लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। और आप लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं कि भैया ये करिए, भैया वो करिए, और आप कहाँ जा रहे हैं ये बताइए। और आप लोग उनमें से लाइव आने के लिए जितने की डिमांड थी उनकी मुरादें पूरी हो गई और आपका भाई लाइव आ गया। तो बस चलिए, आज की वीडियो का ये थोड़ा सा शॉर्ट सा लॉन्ग हो गया, मैं इतना बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए आप लोग अब वीडियो में आई गए तो एक बार आप लोगों से पूछ भी लेते हैं, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप भाई की तरह एकदम मस्त होंगे और एकदम मस्ती रहना है। चलिए चलते हैं। Yeah. तो चलिए अभी निकल चुका हूँ मैं, अब देखते हैं क्या सीन बना पाते हैं। बाकी आज क्या हुआ ना, मॉर्निंग में नैना जी शॉप चली गई और मैं बोला मैं नहीं आऊँगा, कुछ काम है थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। और YouTube पे मेरा मोनेटाइजेशन जो था उसमें कुछ एरर आ गया, जिसकी वजह से मोनेटाइजेशन बंद हो गया। तो उसका एक अलग टेंशन चल रहा है पिछले 2-3 दिन से, आज के साथ मिला के तो थोड़ा सा दिक्कत हो। तो अभी कुछ नहीं करना है, सीधा शॉप चलते हैं और आप लोग भी यहाँ की वाइब्स लीजिए। कल वाली वीडियो का टाइटल यही था, ये छीन झाड़ था जो गांव वाले यहाँ का कांदा निकाले थे, हर झाड़ को काट डाले हैं, सभी झाड़ यहाँ पे काट के पूरा यहाँ का जो कांदा था उसको लेके चले गए। मतलब कभी कभार इनकी लाइफ जो है ना मस्त रहती है, इनको किसी से कोई टेंशन नहीं, ना इनको ज़्यादा पैसे चाहिए ना कुछ, बस जितना है उतना में खुश। संडे के दिन ऐसा होता है ना कि संडे के दिन सारे लोग ना इधर उधर घूमने जाते हैं और हम जो है ना ये शॉप में रहते हैं, तो थोड़ा सा कभी कभार लगता है, क्योंकि पूरी दुकानें जो है बंद रहती हैं और रोड जो है पूरी खाली हो जाती है। लेकिन क्या कर सकते हैं भैया, सबके लाइफ में अलग अलग टाइप की परेशानियाँ हैं, सबके लाइफ में अलग अलग टाइप की चिल हैं, सबके लाइफ में अलग अलग टाइप के वाइब्स हैं। तो अपन तो अपने लाइफ के वाइब्स को लेते हैं और आप लोगों के साथ इंजॉय करते हैं। अगर आप लोगों को मज़ा आता है तो एक बार ज़रूर बताइएगा। बाकी चलिए अब मिलते हैं सीधा शॉप में। और यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग बंद हो गई है, तो अपना पुराना वाला रास्ता कल वाली वीडियो में जो दिखाए थे वहाँ से ही लेते हैं शॉर्टकट और निकलते हैं। ट्रेन तो आ गई थी लेकिन कोई बात नहीं, अपन फिर भी निकल लेते हैं। या ए
एक नंबर साउंड यार, दिल खुश। इतना तेज गूंजता है ना वहाँ पे अंदर में, और ट्रेन जो है ऊपर जा रही है। चलो अपन भी चलते हैं। भाई साहब शॉप पहुंच गए हैं, और ये अपना कारनामा यहाँ भी प्रकट करके रखे हैं। चलो पहुंच गए हैं शॉप, और अभी का सीन ऐसा हो गया कि मनोज भाई को मैं गाड़ी दिखाते दिखाते आया, तो उसका गाड़ी का जो क्लच वायर है ना वो चले गया है। मतलब खर्चा कम नहीं हो रहा यार, खर्चा बढ़ ही रहा। चलो उसको भी बनवाएंगे अब धीरे से, जगदलपुर से वायर लाना पड़ेगा। भाई साहब अभी का टाइम हो गया है 1:20, और अभी हमें लगी है तगड़ी सी भूख, क्योंकि मॉर्निंग से खाली चाय टोस्ट खाए हुए थे। तो नैना जी को बोला चलो चल के आते हैं, कुछ खा ही लेते हैं लगे हाथ। तो अभी कोई रेस्टोरेंट में चलते हैं और देखते हैं वहाँ के मेनू में क्या मिलता है। वेस्ट तो अरे सा बीच रोड में पलट गया। नहीं नहीं ट्रैक्टर ले जा रहा होगा, पलट गया। देखते हैं क्या मिलता है खाने में। वैसे तो खाने का मन तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या मिलेगा वही खाएंगे। जय माता रानी। चलो बढ़िया, रेस्टोरेंट में तो पहुंच गए हैं। अब देखते हैं मेनू, डिसाइड करते हैं कि क्या मिलेगा। तो फिलहाल तो क्या ऑर्डर किया, चिकन बिरयानी ऑर्डर किया और चिकन रोस्ट। मन कर रहा था अपने को खाने का, तो कभी कभार ये मौका मिलता है संडे के दिन, तो कभी कभार बाहर। अरे मुझे लगा वैलेंटाइन डे से। नहीं नहीं अपन वैलेंटाइन डे, अपन वैलेंटाइन डे थोड़ा रोमांटिक हो रहे हैं। नहीं नहीं अपन वैलेंटाइन डे मनाते ही, जब कुंवारे थे तब नहीं मनाए, तो अब शादी के समय क्या मनाएंगे। इंतज़ार करते हैं जैसे बिरयानी आती है उसके बाद दिखाते हैं आपको। तो भाई जब खा के निकल चुके हैं, कैसा था टेस्ट? बिरयानी अच्छा नहीं था। हाँ और चिकन रोस्ट अच्छा था। हाँ लेकिन मेरे को तो कुछ मजा ही नहीं आया, खाली रोस्ट अच्छा लगा, लेकिन उसमें भी क्या बोलेंगे। तो चलो अपना संडे तो मन गया, अब कुछ नहीं करना है, अब शॉप में बैठेंगे। क्योंकि तो दोस्तों अभी शॉप में शॉप बढ़ाए नहीं है, नैना जी शॉप में ही है, और मुझे जो है ना काम है, तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी से घर पहुँचता हूँ। 8:10 हो गए हैं, तो जल्दी से घर पहुँचते हैं और वहाँ का काम भी निपटाते हैं। बाकी आज संडे का जो सीन था वो आप लोगों से अभी लाइव सेशन में बातें साथे करेंगे, उसके बाद आप लोगों के सवालों के जवाब भी देंगे। बाकी जिन्होंने लाइव सेशन एंजॉय नहीं किया था उन्हें मैंने मॉर्निंग में बता दिया था कि कल हम लाइव आए थे, तो वो लोग जाके लाइव सेशन देख सकते हैं। पूरा धुआं धुआं क्यों हो गया समझ में नहीं आ रहा है, क्या चीज़ हो गया ऐसा, कहीं आग वाग लगी होगी जिसकी वजह से हो गया। फाइनली जाके घर पहुंच गए, आज मैंने गाड़ी ना मस्त भगाई पता है, लेकिन ज़्यादा भगाना नहीं चाहिए, बस मैंने सोचा कि बता दूँ आप लोगों को कि घर पहुंच गए हैं। और घर पहुंच गए हैं तो अब सारा लाइव का सेटअप करना है, लाइव का सेटअप करेंगे, उसके बाद नैना जी आएंगी तो खाना बनाएंगी, उसके बाद खाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे। डेली का रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हो रहा है वही दिखा पा रहे हैं, कंटेंट के लिए कुछ करना चाहिए। तो अगर मैंने आप लोगों से कुछ पिछला लाइव सेशन देख सकते हैं, तो चलिए आज वाली वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो करना कुछ नहीं है, प्यार से लाइक प्यार से कमेंट, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं कल वाली किसी बढ़िया वीडियो में। बाय, टेक केयर।